हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस आपको पिछले वीडियो में याद होगा कि हमने एक छोटा सा घर भी बनाया था जो कि पूरा का पूरा डर्ट का था, और तो और गाइस हमने काफी ज्यादा माइनिंग भी किया था जो कि आयरन और कोल का था, और साथ ही साथ हमने काफी ज्यादा कॉपर को भी माइन किया था। लेकिन गाइस इस वीडियो से हम अपना कासल बनाना शुरू कर देंगे। और तो और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब मार दो, और वीडियो पर लाइक नहीं किया एक लाइक मार दो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम अपने कासल के लिए एक अच्छा स्टोन भी ढूंढ रहे थे, और गाइस मुझे एक आइडिया आया कि मैंने जो कॉबल स्टोन है उसे फर्नेस में डाल के एक स्टोन में कन्वर्ट किया, और गाइस इसके बाद इस स्टोन को मैं स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा जिससे कि हमारा कासल का लुक और भी बढ़िया हो जाएगा। और साथ ही साथ गाइस हमें एक अच्छा जगह भी ढूंढना होगा जिससे कि हम हमारा जो कासल का लुक है वो काफी ज्यादा बढ़िया आ जाए। तो गाइस मैंने एक जगह ढूंढ के रखा है, लेकिन गाइस उस जगह पर पूरा का पूरा क्रीपर ने तबाही मचा के रखा था, लेकिन गाइस जितना हो सकता है मैंने रिपेयर किया। और तो और गाइस इस जगह पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज भी आते हैं, लेकिन गाइस ये फिर से तबाही करके चला गया था, इसलिए मैंने इस पूरे जगह को डर्ट से भर दिया। बाद में उस जगह पर ग्रास आ जाएगा। तो गाइस अब हम चलिए ये जो स्टोन है इनको ब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। और गाइस हमें इतना काफी नहीं रहेगा, काफी ज्यादा स्टोन ब्रिक्स का हमें जरूरत होगा, लगभग हमें 8 से 10 टैक का जरूरत पड़ेगा। तो गाइस इन सभी को बाद में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम उस एरिया पे चल के थोड़ा सा बना लेते हैं। तो गाइस ये एरिया काफी सही रहेगा क्योंकि इस जगह पर दूर दूर तक काफी ज्यादा सही एरिया है, और तो और गाइस हमारा कासल का लुक काफी ज्यादा अच्छा भी आएगा। तो गाइस अभी चलिए इस जगह पर हम लोग जो है बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी के लिए 9 ब्रिक्स काफी रहेगा, और गाइस 2 ब्रिक्स का गैप छोड़कर हम फिर से यहाँ पर 9 ब्रिक्स फिर से लगा देंगे, 8 और 9। ठीक है गाइस अब हमारा ये जो है इक्वल हो चुका है, और गाइस चलो यहाँ पर 2 ब्रिक्स और लगा लेते हैं, और तो और इस जगह पर भी हम 2 ब्रिक्स और लगा लेते हैं। और तो और गाइस अब मैं इस जगह से अपना कासल का जो है दीवार बनाने वाला हूँ, और ये जो है गाइस अभी मैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ, लेकिन गाइस बाद में हमें काफी सारा आइडिया आएगा, उसके बाद हम इसका लुक काफी सही कर देंगे। तो गाइस हम यहाँ पर भी ब्लॉक लगा देंगे, और गाइस सेम टू सेम इस जगह पर भी सेम वैसा ही एक दीवार बना देंगे। तो गाइस हम इसको अभी जल्दी से बना लेते हैं, और गाइस अभी से ही काफी सही लुक आने जैसा लग रहा है। तो गाइस अभी इस पे चढ़ के और हम यहाँ पर भी अभी ब्रिक्स लगा देते हैं। तो गाइस हमें ये वाला ब्रिक लेना है, तो ओके गाइस हमारे ये वॉल भी कंप्लीट हो चुका है, और इस वेस्टेज पीस को हम यहाँ से तोड़ लेंगे। और तो और गाइस मुझे हल्का हल्का ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमारा जो ये जो रूम है वो थोड़ा सा छोटा लगने वाला है, लेकिन चलो कोई नहीं बाद में इसको बड़ा कर देंगे, अभी फिलहाल के लिए इसे इसी तरह रहने दे दो। तो गाइस इस स्टोन ब्रिक को लगाते हैं यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो गाइस ठीक है, इससे हमारा जो कासल का लुक है वो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम स्टोन ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, बाद में हम काफी ज्यादा अच्छे अच्छे ब्रिक्स को यूज कर हमारा जो कासल है उसका लुक और भी बढ़िया कर देंगे। तो ओके गाइस आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने ये जो एक एक लेयर है इन दोनों दीवार का बढ़ा दिया, और गाइस अब मैं ये जो साइड का दीवार है इसको भी बनाना स्टार्ट करता हूँ। और ये गलत लगाया, मैं एक और ऐसे लगा के अब कुछ इस टाइप से दीवार बना देता हूँ। हमें काफी सही वाला कासल बनाना है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा ब्रिक्स का यूज करेंगे, और तो और हमसे जितना हो सकता है उतना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और तो और गाइस यहाँ पर थोड़ा सा डर्ट पड़ा हुआ है, इसको हम सबसे पहले तो तोड़ लेते हैं क्योंकि हमारा दीवार यहाँ पर बनने वाला है, इसलिए ये हमें दिक्कत दे रहा है। तो अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत दूर बना लेते हैं।
तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं इस तरफ का दीवार बना रहा हूँ, क्योंकि उस तरफ का जो है दीवार कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी जल्दी से इस तरफ का भी दीवार कंप्लीट कर देंगे। और गाइस आप देख सकते हो कि काफी सही लुक आ रहा है। एक तो यार इन ज़ॉम्बीज ने परेशान करके रखा है, और तो अरे यार इस क्रीपर ने तो अलग से परेशान करके रखा है। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से जाके सो जाते हैं, क्योंकि सुबह में ये लोग तो आएंगे नहीं। हालांकि क्रीपर आते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज नहीं आते हैं। लगता है इस ज़ॉम्बी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आ जा बेटे, चलो इन दोनों को अभी हम मार देते हैं। लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। चलो कोई नहीं, अब हम सो जाते हैं। अरे यार हम सो भी नहीं सकते, लगता है इन सभी को पिटाई करके ही जाना पड़ेगा सोने के लिए। चलो ये मकड़ी का तो काम हो गया। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो गाइस हम लोग फटाफट से सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर से काम करेंगे। तो गाइस सुबह हो चुका है और सुबह सुबह हमने ज़ॉम्बी का मुंह देख लिया। तो चलो कोई नहीं, हम अपना काम पर वापस से चल जाते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। और तो और गाइस दूर से देखने में काफी सही लग रहा है। और गाइस अब हम यहाँ से फिर से दीवार बनाने का काम शुरू करते हैं। हमें यहाँ तक ये जो दीवार है इसको बनाना है। मैंने दोस्तों यहाँ पर नाप जोख के पूरा अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश किया है। तो गाइस आप इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, और घंटी का बटन को भी दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइस मुझे हल्का बहुत ये जो कासल है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं। फिलहाल उसको बाद में सोचेंगे। अभी हमारा जो ब्रिक्स है वो खत्म हो चुका है। और गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया जिससे कि हमारा जो कासल है वो छोटा ना लगे। और तो और गाइस यहाँ पर मैंने काफी अच्छा लुक देने की कोशिश किया है। बाद में इसको ठीक कर देंगे जब हमारे पास अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए हम ये जो दीवार है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ओके गाइस आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने आगे का दीवार को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। और तो और गाइस मैं अभी इस दीवार को भी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ओके गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ये जो कासल है इसका चारों तरफ का जो दीवार है इसको कंप्लीट कर दिया। फिलहाल गाइस ये टेम्पररी है, इसके बाद मैं इसे और भी अच्छा बनाऊंगा। तो गाइस अब हम इसका रूफ टॉप यानी कि इसका छत बनाने वाले हैं। तो गाइस आइडियाज तो काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन एक आइडिया है जिससे कि ये काफी सही लगेगा। तो गाइस इसको हम ऐसा स्टेयर्स की तरह इसका जो छत है उसको बनाएंगे, और गाइस उसके बाद इसी तरह से उसे एक लेयर के ऊपर हम और भी कई सारे लेयर डाल देंगे जिससे कि ये काफी सही लगेगा। तो गाइस अभी इस काम को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक साइड का तो कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे साइड की बारी है। तो इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ओके गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पहली लेयर है उसी की तरह अभी मैंने तीन लेयर और भी बना दिया जिससे कि ये काफी सही लगेगा। और तो और गाइस अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस पे एक लेयर और डाल दूं। वैसे गाइस अभी के लिए तो काफी सही लग रहा है। चलो कोई नहीं, एक लेयर और डाल ही देते हैं। तो गाइस इस लेयर को भी अभी मैं जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ। तो ओके गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इस लेयर को भी कंप्लीट कर दिया। और तो और गाइस अभी मैं इसका रूफ टॉप यानी कि इसका छत बनाने वाला हूँ स्टोन ब्रिक्स से, जो कि काफी सही लगेगा। और अगर सही नहीं लगे तो मैं उसको बाद में रिप्लेस कर दूंगा किसी और ब्लॉक से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसी ब्लॉक का यूज करूंगा। तो गाइस इसके लिए काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तब तक आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस इसके लिए काफी ज्यादा स्टोन भी लगेगा। तो ओके गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि फाइनली काफी देर की मेहनत के बाद
ये कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इस एक्स्ट्रा ब्रिक को हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। तो गाइस अभी नीचे उतर कर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। अरे अरे नहीं, क्रीपर नहीं। अरे भाई इस क्रीपर के बच्चे ने तो मुझे डरा दिया। चलो अब इसको मजा चकाते हैं, कहीं ये फट ना जाए। लगता है इसके लिए स्वर्ड ही निकालना पड़ेगा। तो गाइस अभी ये मर चुका है। और तो और गाइस अपना जो कासल है वो अभी के लिए काफी ज्यादा सही लग रहा है। बाद में मैं इसके लिए और भी ज्यादा चीजें लाऊंगा जिससे कि ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन गाइस अभी के लिए इतना काफी है। वैसे गाइस ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? चलो कोई नहीं गाइस, ये काफी ज्यादा सही लग रहा है। लेकिन इसमें रोशनी का थोड़ा सा कमी पड़ रहा है। और तो और गाइस यहाँ पर इतना ज्यादा मॉन्स्टर स्पॉन हो रहे हैं कि पूछो मत। अभी के लिए मैं अपने घर में आ गया हूँ क्योंकि शाम हो चुका है। और तो और गाइस अभी मैं चेन बनाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए हमें 2 आयरन नगेट्स का भी जरूरत पड़ेगा। और तो और गाइस अगर आपको पता होगा कि 1 आयरन इंगट से 9 जो आयरन नगेट्स होते हैं वो बनते हैं। तो गाइस अभी हम क्राफ्टिंग टेबल में बना लेते हैं। तो गाइस अभी हम इसको जल्दी से बना लेते हैं। तो गाइस हमें काफी ज्यादा आयरन नगेट की जरूरत पड़ेगा जिससे कि हम चेन और लैंटर्न भी बना सकते हैं। तो गाइस अभी हम काफी सारा चेन को बना लेते हैं। और गाइस अभी काफी ज्यादा चेन बन चुके हैं। और तो और गाइस अभी मैं लैंटर्न भी बना के लाया हूँ। ओ नहीं, लैंटर्न बनाना भूल गया। चलो कोई नहीं, अभी हम जल्दी से बना लेते हैं। उसका नाम, हाँ गाइस शायद लैंटर्न ही था। हाँ गाइस, तो इसके लिए हमें एक टॉर्च का भी जरूरत पड़ेगा। और टॉर्च बनता है कोल से, उसको हम बाद में भी बना लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और कासल का लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।